हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप देख रहे हैं मेरा चैनल टीच ऑल इन वन आशीष। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मैं इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको ये लाल कलर का बटन दिख रहा है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए और इस बेल के आइकन को दबा दीजिए। फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोग नहीं जानते होंगे डिस्क्रिप्शन क्या होता है। आज मैं आपको बताता हूँ डिस्क्रिप्शन किस क्या होता है। और आपको पता ही होगा मैं किस गेम के बारे में आज आपको बताने जा रहा हूँ। आपने टाइटल देख के ही पता कर लिया होगा। मैं जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ एसोसिएशन क्रिएट्स एल्टर क्रोनिनिएशन के बारे में। और आपको फिर इसके बाद बेल आइकन आएगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए नई नई मेरे चैनल को सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा गेम है, ये आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं आप, ये ट्रायंगल बन रहा है इधर कुन्नी पर, इसे आप जैसे क्लिक करेंगे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये होता है डिस्क्रिप्शन, समझ गए ना फ्रेंड्स, आप लोग समझ गए होंगे डिस्क्रिप्शन क्या होता है। फ्रेंड्स, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है इस वीडियो के, आप उस पर क्लिक कीजिए। मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको दिखाता हूँ वो कहाँ पे कैसे मिलेगी। मैंने आपके में जो ब्राउज़र है आप उसका यूज़ कीजिए, मेरे में यूजी ब्राउज़र में इसलिए उसका यूज़ करूँगा। आपको करके दिखाता हूँ मैं। फ्रेंड्स, ये देखिए मैं अपना यूजी ब्राउज़र खोल रहा हूँ आप लोगों के सामने। फ्रेंड्स, अगर आपको इस गेम में कोई भी कमी लगी तो कमेंट ज़रूर कीजिए। और जो भी आपको चाहिए, कोई सा भी हो, पीसी का हो या फिर एंड्रॉयड के लिए उसका या लाइट वर्जन या फिर कोई सा भी गेम चाहिए, आप मेरे कमेंट बॉक्स में कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, मैं देखिए फ्रेंड्स, ये आप अपना, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप अपना गूगल खोलिए, या फिर आपका क्रोम है तो आपको डायरेक्ट गूगल खुला मिलेगा, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। फ्रेंड्स, आप तो लिंक पर क्लिक करेंगे इसलिए आपको डायरेक्ट लिंक वो मिल जाएगी, डाउनलोड करने वाली फाइल आप डाउनलोड करके क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे में भी खुल रखी है इसलिए रिमूव लोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है इसे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमारी मेहनत का फल लाइक आपकी लाइक से ही मिलता है। फ्रेंड्स, और आपको ये गेम अगर चाहिए तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। कुछ कुछ ऐसे आपकी स्क्रीन पर सामने खुलेगा। इसकी रेटिंग भी आप देख सकते हैं 4.1 की है, ये यानी गेम सेफ है और बढ़िया गेम है। ये देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने डाउनलोड का ऑप्शन आया है, आप डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये लोड हो रहा है, इसे लोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लोड हो चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप डाउनलोड नाउ पर क्लिक कीजिए, जैसे ही आप डाउनलोड नाउ पर क्लिक करेंगे इसकी लोडिंग होना चालू हो जाएगी। लोडिंग जैसी चालू हो जाएगी आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। फ्रेंड्स, आप जैसे ही डाउनलोड पर क्लिक करेंगे लोडिंग होकर हमें डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। मैंने इसे पहले से ही डाउनलोड कर रखा है इसलिए मैं नहीं करूँगा। और फ्रेंड्स, आपको प्ले स्टोर में आकर दो फाइलें और डाउनलोड करनी पड़ेंगी। एक का नाम है जेड आर्चीवर और एक का नाम है फ्री डी एस सिम्युलेटर। फ्रेंड्स, आपको अपना प्ले स्टोर खोलना है, मैंने जैसे आपको पहले बताया था दो फाइलें आपको डाउनलोड करनी है, एक का नाम है फ्री डी एस सिम्युलेटर और एक का नाम है जेड आर्चीवर। शायद आप जेड आर्चीवर को जानते हो, अगर आप पीसी गेम्स अपने एंड्रॉयड फ़ोन में चलाते रहते हैं तो ये फाइल्स बहुत ही जड़ आर्चीवर एक तरीके की बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है, आप अपने फ़ोन में रखिए तो बढ़िया ही होगा, क्योंकि इससे आप कोई भी गेम, कोई भी रार फाइल डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करके चला सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देता हूँ इसका लोगो। फ्रेंड्स, थोड़ी मिस्टेक हो गई मुझसे, सॉरी। जेड ए आर सी एच आई वी ई आर जेड आर्चीवर। फ्रेंड्स, थोड़ी देर पहले मुझसे धोखे से बुक्स खोलेंगे, उसके लिए सॉरी।
फ्रेंड्स कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको कोई भी गेम चाहिए उसके लिए। ये फ्रेंड्स आपको ये वाली फाइल डाउनलोड कर लेनी, मैंने इसे पहले से डाउनलोड कर रखा है इसलिए मैं नहीं करूँगा। फिर इसके बाद आपको फ्री DS एमुलेटर और डाउनलोड करना है, आप डायरेक्ट DS एमुलेटर के भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स ये आ गया, आप इस पर क्लिक कर दीजिए, ये लोडिंग हो जाएगी आपके सामने। फ्रेंड्स जो दूसरे नंबर पे आया आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, उसे डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको अब आपको अपना ZRC पर खोलना है फ्रेंड्स, आपको अपना ZRC पर खोलना है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। अब मैंने अपना ZRC पर हाइड कर रखा है, मैंने हाइड करना पिछली वीडियो में बताया था, उसे हाइड करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स ये ZRC वाला मैं इसे खोल रहा हूँ। फ्रेंड्स आपने वो रार फाइल आपने यहाँ पर डाली है, आप वहाँ पर तो देखिए मैंने अपने UCD में डाली थी, इसलिए UCD में मिल जाएगी मुझे। तो आपने यहाँ पर डाली थी वहाँ पर देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स ये आ चुकी है सीशन क्रिएट एल्टर्स क्रोनिलियंस, आप इस पर क्लिक कीजिए। सेकंड नंबर पर एक्सट्रैक्ट एयर का ऑप्शन होगा, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। फ्रेंड्स ये एक्सट्रैक्ट एयर होना चालू हो जाएगी फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स ये एक्सट्रैक्ट हो रही है। तब तक मैं इस वीडियो को पॉज कर दे रहा हूँ क्योंकि इसे होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये देखिए फ्रेंड्स ये होने वाला है, थोड़ा सा ही रह गया। ये देखिए फ्रेंड्स 91% हो चुका है, ये देखिए फ्रेंड्स हो गया। ऐसी एक्सट्रैक्ट हुई है आपके सामने, ये फाइल आ जाएगी ऐसी इंसेंट क्रिएट, ये 64 MB होगी। आप इस पर इसे दबाए रखिए और इसे कट कर लीजिए। और एंड डिवाइस मेमोरी एंड्रॉयड डाटा में इसे पेस्ट कर दीजिए। मैंने इसे पहले से ही कर रखा है इसलिए मैं नहीं करूँगा। मैं आपको इस गेम को चला के दिखाता हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स एक बात याद रखिएगा, आप जब आप गेम का 3DS एमुलेटर में एंटर करने जा रहे हो या फिर उसे खोलने जा रहे हो तो अपना नेट ज़रूर बंद कर दीजिएगा, जिससे आपका गेम हैंग नहीं करेगा और उसमें ऐड भी नहीं आएंगे। फ्रेंड्स मैंने अपना डाटा बंद कर दिया है, जैसा आप देख सकते हैं ऊपर, देखिए नेट टावर भी नहीं आ रहा, नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। अब अपना DFDS सिमुलेटर खोल लीजिए, हो सकता है आप पहली बार चलाएं तो इसमें ऐड एक आध दो ऐड आ ही जाएँ, बिना नेट के भी आ जाते हैं इसमें कभी कभार ऐड, इसलिए आप ध्यान रखें, आप अपना नेट जरूर बंद कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स आपके सामने कुछ ऐसा खुल के आ जाएगा, आप देख सकते हैं इसे लोड होने में थोड़ा टाइम लगे। आप इस ऐड को काट दीजिए और न्यू गेम पर क्लिक कीजिए। अगर आप इसे पहली बार चला रहे हैं तो इस पर रीस्कैन का ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं इसे दूसरी तीसरी बार चला रहा हूँ, इसलिए आप देख सकते हैं गेम आ रहा है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स मेरा गेम चालू हो गया, मैं आपको इसकी थोड़ी फ्रेंड्स मैं आपको इसकी थोड़ी वॉक थ्रू भी दिखा दूंगा। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आप जो भी लैंग्वेज चाहें वो ले सकते हैं, मैं हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने लैंग्वेज चुन ली है, ये टच टू स्क्रीन की कर रहा है, टच कर दिया। ये देखिए फ्रेंड्स
आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।